आज इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टी के इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं सभी पार्टियों की ओर से संयुक्त रूप से मुझे आलोक कुमार मेहता को एक बार फिर उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 22 से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं कल दिनांक 19/4/2024 को 2 बजे दिन में समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन दाखिल करेंगे और कल ही 2 बजे मुसरी घरारी के नगर पंचायत भवन के पास माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं और वहां आम सभा के रूप में जो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद लोग आवेंगे उनको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे। हमें गर्व है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेताओं को माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और घटक दलों के महागठबंधन इंडिया गठबंधन दलों के सभी नेताओं को जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास जाहिर किया और मैदान में उतरने के लिए तो इस देश पर वैसे तत्वों का कब्जा हो चुका है जिन लोगों ने संविधान को बदलने और संविधान को तोड़ मरोड़ करने के उद्देश्य से लगातार अपना काम करना शुरू कर दिया है उनको अपदस्थ करने के लिए समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर तक विकास को की किरण को पहुंचाने के लिए जो एक चुनाव मैदान में हम लोग उतरे हैं हम अपने बड़े नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उससे भी ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं यहाँ की महान जनता का जिन्होंने आलोक गुप्ता पर विश्वास किया पहले भी विश्वास किया है लगातार इस क्षेत्र से किसी न किसी रूप में मुझे सदन में भेजकर और अपने विश्वास को व्यक्त किया। मैं उस विश्वास का और उस एहसास का सम्मान करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज सभी महागठबंधन के इंडिया गठबंधन के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं और सब लोग एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम देंगे। 13 मई को चुनाव है चतुर्थ चरण में उस चुनाव के समय तक लगातार हमारे साथी अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे और कोई भी माल प्रैक्टिस यदि दूसरी तरफ से करने की कोशिश की गई तो उसका भी प्रतिकार किया जाएगा।